भारत की तीनों सेनाओं के प्रमुख जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश की घटना की चर्चा अभी शांत हुई भी नहीं थी कि राजस्थान के जैसलमेर में एक सेना का विमान फिर से क्रैश हो गया है, जिसमें पायलट की मौत हो गई है। राजस्थान के जैसलमेर में शुक्रवार शाम को फाइटर प्लेन MiG-21 क्रैश हो गया है। हादसे में फाइटर प्लेन के पायलट की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि क्रैश होने के बाद MiG-21 में आग लग गई। मिली जानकारी के मुताबिक जिस जगह फाइटर जेट गिरा है वह पाकिस्तान बॉर्डर के पास है, वह प्रतिबंधित एरिया है। उस एरिए में किसी को भी जाने की अनुमति भी नहीं है। ये इलाका सुदासरी डेजर्ट नेशनल पार्क में है। ये एरिया मिलिट्री के कंट्रोल में आता है, इसलिए वहां पर किसी को भी जाने नहीं दिया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह हादसा रात करीब 8:30 बजे हुआ। विमान अपनी नियमित उड़ान पर था। हादसे की जगह जैसलमेर से करीब 70 किलोमीटर दूर बताई जा रही। आपको बता दें कि इससे पहले अगस्त 2021 में भी बाड़मेर में एक 21 मिग विमान क्रैश हुआ था। उस हादसे में हालांकि पायलट की जान बच गई थी, लेकिन अब जो जैसलमेर में हादसा हुआ है उसमें पायलट की जान चली गई है।